ये पत्थर के लोग हैं जो बुद्ध बने फिर रहे हैं। इनसे टकराएंगे तो खुद को जख्मी कर लें। मैं ही यहां से कहीं चली जाऊंगी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारे बाप को इस घर से निकाला? तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम जैसे छोटी सोच के लोग ऐसा घटिया सोच सकते हैं? आलिया बकवास बंद करो। तुम पूरी जिंदगी कुएं की मेंढक की तरह जिंदगी गुजारोगे। सॉरी आनिया। हाथ मत लगाना, मैंने कहा हाथ मत लगाना। तुमने औकात दिखा दी अपनी। आनिया प्लीज आई एम सॉरी। आनिया मेरा ये मकसद नहीं था। आनिया आई एम सॉरी। आनिया उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? अरे वो दो टके का इंसान, उसकी औकात क्या है? आप भूल रहे हैं कि फैसल आपका दामाद है, आपकी बेटी का शौहर है, और जहाँ बेटियाँ ब्याही जाती हैं ना, उन लोगों को सर आंखों पर बिठाया जाता है। हाँ हाँ बिठाया जाता है, बिल्कुल बिठाया जाता है, ये उनकी औकात के मुताबिक। मेरी अपनी गलती थी कि मैंने उसको फर्श से उठाकर अपने बराबर में बिठा लिया। आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अरे अगर मैं हाथ ना रखता उस पे तो आज किसी मामूली सी कंपनी में चंद हजार रुपए का मुलाजिम होता वो। आपको अब ख्याल आ रहा है? तब ख्याल नहीं आया जब अपनी बेटी का हाथ आप उसके हाथ में दे रहे थे? तब तो पूरी दुनिया में फैसल जैसा समझदार आदमी आपको नजर ही नहीं आ रहा था। पापा मैंने आपको कितनी दफा मना किया था कि मैंने फैसल से शादी नहीं करनी, लेकिन आपने फिर भी करवा दी। कितना फर्क है हम दोनों की क्लास में, हम दोनों का रहन सहन कितना मुख्तलिफ है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया पाप, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं अभी जाके इस फैसले से पूछता हूँ कि आखिर ये बदबख्त चाहता क्या है। रुके सही साहब, आप शायद भूल गए हैं कि आपकी बेटी शादीशुदा है। समझने की कोशिश कीजिए, आप उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते, और शायद गलती आनिया की हो। मैं उसकी माँ हूँ, उसे अच्छी तरह समझती हूँ कि वो कितनी खुदसर और जिद्दी है, और हो सकता है उसने फैसल को मजबूर किया हो हाथ उठाने पर। तुम कैसी माँ हो? अरे अपनी ही बेटी को तुम गलत कह रही हो? अरे अपनी बेटी का साथ देने के बजाय उसके शौहर का साथ दे रही हो? नहीं, मैं फैसल का साथ नहीं दे रही, मैं आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ, जिस हकीकत से आप नजरें चुरा रहे हैं। मैं फैसल से खुद बात करूंगी, फिलहाल आप फैसल से कोई बात नहीं करेंगे। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। जी किससे मिलने? आप कौन? मैं तंजीला। बेटी कौन है? अब्बा। अरे फैसल, आओ आओ बेटा अंदर आओ। मैं
अब आपको वो घर ऐसे नहीं छोड़कर आना चाहिए था। मैं वहां नहीं रह सकता। दिन रात जहां ये एहसान जतलाया जाता हो कि वो घर मेरा नहीं है, एहसान समझकर मुझे बर्दाश्त किया जाता हूं। कैसा एहसान? आप आनिया की बातों का बुरा ना माने, वो बेवकूफ है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वो घर मेरा भी है अब्बा, मैंने उनकी कंपनी को अपनी मेहनत से कहां से कहां ला खड़ा किया है। और अंकल और आंटी तो होते ही ज्यादातर अमेरिका में हैं, कभी कभी आते हैं। उस घर पर सबसे ज्यादा हक आपका है। भीख में मिली हुई किसी चीज को मैं अपना हक नहीं मान सकता, अपना घर नहीं मान सकता। मैं तो तुम्हारे भी उस घर में रहने के खिलाफ था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बदले में मुझे वो घर मिला है अब्बा, भीख में नहीं, दिन रात मेहनत की है मैंने। कैसा तुम सोचते हो फैसल, जब इंसान को उसकी मेहनत से ज्यादा मुआवजा अदा किया जाए तो वो मुआवजा नहीं रहता है, एहसान बन जाता है। और एहसान तले दबकर इंसान कभी भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम्हें वो घर, वो गाड़ी मुआवजे के तौर पर नहीं, एहसान के तौर पर दी गई है। अब्बा मैं कोई अनोखा इंसान नहीं हूं, सारी दुनिया आगे बढ़ने के लिए ये सब करती है, किसी को किसी शक्ल में और किसी को किसी शक्ल में इस तरह के एहसानों के तले दबना पड़ता है। और सारी दुनिया ही आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ऐसा करती है। तो ठीक है, तुम खुश रहो अपने उस घर में, अपनी उस तरक्की में। तंजीला है, बैठो बेटा, मेरे चचाजाद भाई की बेटी हैदराबाद से आई है। लेकिन मैं तो तकरीबन आपके सारे रिश्तेदारों को जानता हूं, फिर ये? तुम उसे नहीं जानते थे, अब उसका इंतकाल हो गया है तो इसका वहां अब कोई नहीं। इसको मैंने अपने पास बुला लिया है यहां रहने के लिए। खैर, आप इन सब बातों को छोड़ें अब्बा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेने आया हूं। मैंने कह दिया ना कि मैं वहां आप कभी भी नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगा आपके साथ। सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। अब्बा से मिलने आए हो? जी हाँ भाई, तुम तो अमीरों में शादी करके घर जमाई बन गए और बाप को छोड़ दिया है, जो दिल चाहे करे। क्या मतलब खाला? अब्बा से मिले हो तो उस हसीन जमाल लड़की से भी मिले होगे ना, अचानक से रिश्तेदार आई और तुम्हारे अब्बा के साथ रहने लगी और पूछ मुझसे रहे हो कि क्या हुआ। सी बातें कर रही हो खाला, क्या लोगों के रिश्तेदार नहीं एक दूसरे के घरों में आते जाते? रिश्तेदार जाते हैं, जमाल लड़कियां गैर महरम के साथ यूं अकेले रहने नहीं आ जाती। इतने साल तो हमें भी हो गए इस मोहल्ले में, हमने तो नहीं देखे तुम्हारे कोई रिश्तेदार आते जाते, अचानक से ये लड़की। ताल में तो कुछ काला है। खाला, यूं दूसरों पर तोहमत लगाना अच्छी बात नहीं है। अरे सलमा क्यों लगाएगी किसी पे इल्जाम, जमाल लड़कियां घर में रखो तुम और हम बोले तो तोहमत। वाह बेटा वाह, मोहल्लेदारी का भी कुछ लिहाज रखना पड़ता है, पर तुम क्या जानो इन बातों को, तुम तो खुद किसी के घर में रहते हो। पर मुझे क्या, आज मैं बोल रही हूँ कल सारा मोहल्ला बोलेगा, किस किस का मुंह बंद करोगे? अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, तुमने जिसको चाहा उसको पा लिया,
पाने से क्या होता है, मुझे तो अभी भी लगता है जैसे मैं खाली हाथ हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि आतर आज भी उस तन्नो को भूल नहीं सका, वो आज भी उस तन्नो के नाम के साथ जी रहा है और उसकी हर सांस में मुझे उस तन्नो का नाम सुनाई देता है। क्या? हाँ, इसीलिए तो सारा दिन शॉपिंग करती रहती। नानी कहती है कि उसे उसके हाल पे छोड़ दो और बस एंजॉय करो, और मैं भी बस वही करने की कोशिश करती हूँ। क्या हुआ? लगता है सारे पैसे खत्म हो गए। सारे? हाँ, सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा, मैं बिल कैसे दूंगी? अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, बिल मैं पे कर दूंगी। ठीक है, तुम अभी दे दो, लेकिन मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। आपने देखा नहीं था अंकल, आपके बेटे के एक सवाल के पीछे। मुझे किसी दारुलमान भेज दीजिए। क्यों भेज दूं दारुलमान? तुम्हें मैंने अपनी बेटी माना है, और कोई भी बाप अपनी बेटी को दारुलमान कैसे भेज सकता है? अब्बा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। अब्बा, कौन है ये लड़की? मोहल्ले में तरह तरह की बातें क्यों हो रही हैं? बताया तो था मेरी बेटी है। अब्बा, ये कौन सी बेटी है जिसे बचपन से लेकर आज तक मैं नहीं जान पाया, और अब अचानक यहाँ आकर रहना शुरू हो गई है? तुम्हारे सवाल से मुझे शक की बू आ रही है फैसल। क्या तुम्हारे बाप को भी सफाई देनी पड़ेगी? अब्बा, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप सही हैं, लेकिन मैं इस सच के पीछे छुपी हुई हकीकत जानना चाहता हूँ। फिलहाल जो मैंने कहा है उस पर यकीन करो। युक्ता, मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। फिर उसका फोन आया था, मैंने उसे आतिर की तमाम तरह रिपोर्ट्स भिजवाई थी। उसने उन्हें बगौर देखा है और इज वेरी होपफुल। उसके ख्याल है कि आतिर ठीक हो सकता है, दोबारा चलने फिरने के काबिल हो सकता है। क्या वाकई मेरा बेटा चल पाएगा दोबारा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसने उम्मीद तो बहुत दिलाई है और वो है भी बहुत लायक, लेकिन प्लीज अभी आतिर को कुछ ना बताना। वो बहुत डिसहार्टेड है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, और ठीक होने की बात करो तो बहुत नाराज हो जाता है। मैं किसी मुनासिब वक्त पे तरीके से उसे सब बता दूंगा। ठीक है, अल्लाह करे मेरा बेटा ठीक हो जाए। शुक्र। अब्बा कहाँ हैं? वो नमाज पढ़ने गए। कौन हो तुम?
इस तरह मेरी शक्ल मत देखो। यह बताओ कौन हो तुम? वो अंकल ने, अब्बा ने मुझे जितना बताना था बता दिया। वो बहुत सादा आदमी है, तुम जैसी लड़कियों की हकीकत को नहीं जानते। सीधी सीधी तरह बताओ क्या हकीकत है तुम्हारी, कहां से आई हो तुम? अपने आंसुओं से तुम अब्बा को तो मुतासिर कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं, और तुम्हारी यह खामोशी बता रही है कि तुम हमारी रिश्तेदार नहीं हो। सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना अगर यह बात पुलिस तक पहुंच गई तो तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई हकीकत सबके सामने आ जाएगी। इसकी नौबत नहीं आएगी फैसल साहब, मैं खुद ही यहां से चली जाऊंगी। यही बेहतर है तुम्हारे हक में। और हां, अब्बा को इस बात का पता ना चले, याद रखना। अल्लाह तो बड़ा गफूर और रहीम है, सबकी तकलीफें आसान करता है। या अल्लाह मेरी मुश्किलें भी आसान कर दे, मैं थक गई हूं मेरे राम, अपने आप से लड़ते लड़ते, अपने नसीब से लड़ते लड़ते, दुनिया की चुपती हुई बातों का और सामना नहीं कर सकती। मुश्किल हाथ आसान कर दे मेरे रब। क्यों तुम इस तकलीफ ज्यादा जिंदगी में उबतला रहना चाहते हो? क्यों तुम ठीक क्यों रहना चाहते? जिंदगी से इतनी बेजारी क्यों है आखिर? मैं किसके लिए ठीक हूं और क्यों? जिंदगी में मेरे लिए अब रखा ही क्या है? शादी हो गई क्या? किसकी शादी? तुम्हारी शकूर भाई से।